सो हाउ राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। तो स्वागत है भाई और एक नए फ्रेश वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जो है ना भाई, ये वीडियो है फोटोग्राफी लवर या फिर वीडियोग्राफी लवर, जो वीडियोस बनाते हैं छोटे मोटे, छोटा मोटा कोई भी वीडियोस बनाते हैं, तो उनको एक चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ट्राईपॉड। ऐसा में क्या होता है, अगर आप कभी वीडियोस बनाने चाहते हैं और अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आपके दोस्त को बोलते हैं कि भाई थोड़ा यहाँ से एक स्टेबल फुटेज लेगा, भाई फोन को पकड़ेगा या फिर कैमरे को पकड़ेगा, तो उनका जवाब होता है नहीं। तो ऐसे में आपको एक चीज का याद आता होगा, ट्राइपॉड। तो भाई अगर आप एक ट्राइपॉड ऑर्डर करते हैं तो कई चीज़ों में आपका ज़रूरत पड़ता है। कभी कभार आप एक स्टेबल शॉट लेना चाहते हैं फोटोग्राफी के मामले में या फिर वीडियोग्राफी के मामले में भी काफ़ी ज़रूरत पड़ता है ट्राइपॉड। भाई आप लोगों को पता ही है ट्राइपॉड किस चिड़िया का नाम है और ये किस तरह से मतलब हेल्प करते हैं आपको, ठीक है? तो ऐसे में आप अगर ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं तो आपके मन में आता होगा कि अच्छा सा एक ट्राइपॉड खरीदूँ जो बजट में हो, मतलब प्रोफेशनल ट्राइपॉड। बहुत सारा ऐसा ट्राइपॉड है जो ट्राइपॉड के नाम पे ही भाई कलंक है, मतलब उसको आप लाएंगे ना तो भाई वो अच्छे से कैमरा को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपके पास DSLR है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ऐसा एक ट्राइपॉड चाहिए होता है बजट के अंदर। मैं क्या सोचता हूँ कि एक कम बजट में एक अच्छा सा प्रोफेशनल ट्राइपॉड मिल जाए, लेकिन भाई बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार सर्च किया ट्राइपॉड के बारे में, तो क्या हुआ, 2600 के ऊपर जो भी ट्राइपॉड है वो लगभग अच्छा है यार, लेकिन उसके नीचे एक भी ट्राइपॉड अच्छा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करूँगा। मैंने उसको मंगवाया है तो मैंने काफ़ी सोच समझ कर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसको मैंने मंगवाया है, वो भी सीने में पत्थर रख के। मतलब मैं कम प्राइस में इसको मंगवाया है तो मुझे अभी भी शक है कि ये अच्छा आएगा या नहीं, यू नो। अगर आप कम प्राइस के अंदर किसी ट्राइपॉड को मंगवाते हैं और देखना वो आने के बाद इतना कमज़ोर होगा ना भाई, फ़ोन को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, DSLR तो दूर की बात है, और ऐसे में तो भाई पूरा पैसा ही चूना लग गया, आप पैसा बचाने के चक्कर में आपका वाट लग गया। तो ऐसे में इसलिए हमेशा आपको अच्छी चीज़ें ऑर्डर करना पड़ता है। फिर भी अगर आप मेरे जैसे कम प्राइस वाला कोई ट्राईपॉड ऑर्डर करते हैं तो क्या हाल हो सकता है, देखते हैं यार, अनबॉक्सिंग करते हैं उसका। तो बकवास मैंने काफ़ी कर लिया, वैसे भी बकवास बहुत ज़्यादा करता हूँ, चलो यार इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? चलो ट्राईपॉड तो आ गया भाई, इसका अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको मैं काट लेता हूँ पहले, तो काट लिया हमने, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले प्राइस बता देते हैं, इसको मैंने अमेजन से मंगवाया है 1048 में। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको मैंने बॉक्स को ऊपर से तो खोल दिया, इसके अंदर और एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर ये बॉक्स आया। ये है पूरी पूरी तरह से ट्राईपॉड। इस ट्राईपॉड का कोई नामो निशान है या नहीं? हाँ, इसका नाम है ट्राईपॉड का नाम। सो जो भी हो, ट्राईपॉड का यही नाम है, ठीक है? आप लोगों ने जो देखा, US 1984, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, इतना ही कुछ लिखा हुआ है और बाकी इसमें कुछ भी नाम वगैरह नहीं है। इसको मैंने 1048 रुपीज़ में मंगवाया है। तो अभी देखते हैं इसका क्वालिटी वगैरह कैसा है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो अगर आप प्रोफेशनल कोई भी ट्राइपॉड मंगवाते हैं ना, तो लगभग भाई 2000 के ऊपर, 2600 के ऊपर देखा मैंने, जितना भी मैंने मंगवाने के बारे में सोचा है सब उतना ज़्यादा है। तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस में मुझे एक प्रोफेशनल टाइप का कुछ ट्राईपॉड मिला है, इससे बस काम चल जाए इतना ही काफ़ी है। अगर आप भी मेरे जैसा कोई नया यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में अगर आप वीडियोस बनाते हो या फिर कुछ भी बनाते हो यार, वीडियोज़ काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाते हो कॉमेडी वगैरह, तो ऐसे में किसको यार पकड़ने दोगे अपना कैमरा, और वो वैसे भी शेकी टाइप का होता है। तो ऐसे में आपको एक ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ेगा। तो 1000 खर्चा कर सकते हैं तो आप ट्राईपॉड मंगवा सकते हैं, लेकिन तभी मंगवाइएगा जब क्वालिटी अच्छा हो, यू नो, ऑब्वियसली। चलो यार, इसको मैंने बॉक्स खोलते ही सबसे पहले मुझे एक ये मोबाइल होल्डर मिल गया, और इसके मदद से आप अपने फ़ोन को माउंट कर सकते हैं ट्राईपॉड में, लेकिन ट्राईपॉड मजबूत होना मांगता है। तो भाई इस बॉक्स के अंदर हमें मिल गया है एक बैग, चलो यार अच्छी बात है, बैग है तो इसको हम नाइस, अच्छी बात है भाई, बैग है एक, ठीक है? इसको हम साइड में रखते हैं, इस बैग को खोलते पहले। बैग को खोलने के बाद और एक कवर, भाई साफ प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, तो आज के बाद मेरा टेंशन नहीं रहेगा। चलो, ये है ट्राईपॉड, छोटा सा मस्त, इसको हम लंबा कर सकते हैं, दिखाते हैं भाई का है टेंशन ले तो यार। तो इसमें 3 स्टेज है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते होंगे, ये एक, ये दो, ये तीन, भाई लंबा हो गया बहुत यार, ये एक दो तीन, देखते कितना लंबा होता है,
अच्छा, इसको लंबा करने के बाद आपको यहाँ लॉक भी करना है, नहीं तो ये फिर से अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं पूरा फिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये कितना लंबा है आखिर में। चलिए मैं आप लोगों को इसके अभी इसको दिखाता हूँ। ये होल्डिंग हो गया, अभी मुझे कैमरा अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जैसे जैसे ब्लॉगिंग करते वैसे। तो भाई ये देखो, तो भाई ये देखो ट्राइपॉड ज़मीन से लेकर इतना लंबा है। तो इसको और भी लंबा कर सकते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इसका जो फीचर्स वगैरह है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको लूज़ करना पड़ेगा, ये यह एक लूज़ करने का चीज़ है। अच्छा, इसको लूज़ करने से ये वाला लंबा होता है भाई साहब, और लंबा हो गया, बढ़िया है। इसको हम टाइट कर दिया, इस बार देखो ये और ज़्यादा लंबा हो गया, और दिखने में यार मज़बूत है। ये बॉडी जो है ये एल्यूमिनियम का तो नहीं है, लेकिन किस चीज़ का है, ये लोहे का ही है, पाइप टाइप का है, जो लोहे का पाइप से बनाया हुआ है। तो मैं इसका जो है ना भाई, इसको मैं इतना मज़बूत नहीं बोलूँगा, मज़बूत नहीं है लेकिन टिकाऊ है। इसमें आप आराम से आपका कैमरा या फिर DSLR आराम से लगा सकते हो यार, काफ़ी मज़बूत दिख रहा है। चलो और चीज़ इसको देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से लूज़ करने से नहीं, यहाँ से भी एक लूज़ करने का, और यहाँ से लूज़ करने से ये घूमता है, ठीक है, इधर उधर घुमा सकते हैं आप। और ये जो है इसमें आप अपना कैमरा माउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी टेढ़ा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो एडजस्ट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ भी एक लॉक है। इस तरह का रोटेशन के लिए आपको ये वाला लूज टाइट करना पड़ेगा, और इस तरह, और ये वाला जो है ऊपर नीचे करने के लिए या फिर लेफ्ट राइट करने के लिए सही है यार। यहाँ आप कैमरा रख सकते हो, फिर एडजस्ट करो यार, कुछ भी करो। तो आप यहाँ DSLR आराम से लगा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत है। और ये जो है, मान लो आपका फ़ोन है आपके पास, तो आप इस तरह से इसको लगा दो और नीचे से थोड़ा टाइट कर दो यहाँ से। अभी मैं दिखा नहीं सकता, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ, तो एक हाथ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लेफ्ट राइट करने के लिए, और ये इतना हाइट है, तो लगभग यार अच्छी खासी हाइट है इसका, मस्त, हमें तो अच्छा लगा। और अगर आप DSLR आपका ज़्यादा बड़ा लेंस लगा दे तो ज़्यादा भारी हो जाता है, उस टाइम आप क्या करोगे, इसके नीचे जो है यह कुछ भारी सा चीज़ लगा दोगे, तो ये और ज़्यादा मज़बूत और स्टेबल हो जाएगा। तो सही है यार, मुझे तो ओवरऑल इसका भाई बहुत बहुत मज़ा आया भाई, देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा 1048 लिया है इसका, तो आप भी मंगवा सकते हो यार, सबसे कम प्राइस में मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट है। और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा, तो ये अच्छी ट्राइपॉड आ गया है। और अभी हम मज़े से भाई वीडियो बना सकते हैं इस ट्राइपॉड के मुकाबले। देखो ये लगभग मेरे बराबर ही है, तो चलो यार सही है, इतना सा देखो काफ़ी सही है। वीडियो बनाने में काफ़ी अभी इजी होगा मेरा, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ट्राइपॉड मंगवाने के बारे में सोचते हैं तो ये ट्राइपॉड आप मंगवा सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और यही सबसे कम प्राइस में प्रोफेशनल ट्राइपॉड आपको मिल रहा है। तो चलो यार वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।